रोज रोज अगर वही वही सब्जियां खाकर अगर बोर हो गए हो तो आज मेरे साथ बनाइए कोफ्ते की सब्जी। और ये कोफ्ते कोई लौकी के नहीं है या किसी और चीज़ के नहीं है, बहुत हेल्दी कोफ्ते बने हुए हैं। तो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके भी कोफ्ते बनाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे भुट्टे के कोफ्ते। ये स्वीट कॉर्न है, बड़े आराम से बाजार में मिल जाता है। मैंने 1.5 पैकेट के लगभग यानी 300 ग्राम के लगभग स्वीट कॉर्न लिया है और इसे अच्छे से धोकर मिक्सी में हल्का सा चला लिया है ताकि ये दरदरा पिस जाए, जिससे इसे तेल में डालने पर इसके फटने का डर नहीं रहेगा। अब डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन को बारीक चॉप करके डाला है। 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 1/2 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक चॉप करके डाल दी है। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग चावल का आटा डाल देंगे, जिससे कि हमारे कोफ्ते काफ़ी टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे। और इसकी खास बात क्या रहेगी, चावल डालने के बाद आपको सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चावल के आटे से जब भी हम कोई पकौड़ी बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होती है। 3 ही चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक बिल्कुल सुपर सॉफ्ट डो बनाना है और उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। और जो ग्रेवी बनाने का तरीका है ना, वो भी आप देखिएगा, आज बिल्कुल आपको नया लगेगा। बहुत आसानी से जो आपकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। अब थोड़े मसाले डालेंगे, 1/4 टीस्पून के लगभग हींग, 1/2 चम्मच अजवाइन डाल देंगे क्योंकि कोफ्ते बना रहे हैं और काफ़ी हैवी सब्जी हो जाती है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज खूब चटपटी सब्जी बनाने वाली हूँ। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल दिया। इस तरह से ये सारी चीज़ें मसाले डालने का मेरा एक मोटिव ये भी है कि जब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे ना, तो वो खाने में पकौड़े जैसे बनेंगे। और शुरू में ही आपको पता है, अगर पकौड़े बनाए जाएँ तो 5-7 तो वैसे ही घर में ख़त्म हो जाते हैं, वो भी बचा के छुपा के रखने पड़ते हैं अगर सब्जी बनानी हो तो। अब हम इसके अंदर डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप बहुत अच्छे एक बार में 2 चीज़ें बना के तैयार कर सकते हैं, स्नैक्स के लिए भी और साथ में रात की सब्जी भी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच। इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसके हमें पकौड़ियाँ तलने में बहुत दिक्कत होगी, यानी कोफ्ते की तरह गोल शेप देने में दिक्कत आएगी। बस इतना ही आराम से बन रहा है, ये देखिए एकदम सही कोफ्ता गोल गोल बन के तैयार है। इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे, पर हमें कोफ्ते बनाने नहीं है, डायरेक्ट तलने हैं। क्योंकि अगर आप बना के रखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा डो हमें लूज़ रखना है, जिसकी वजह से ये फैल जाएगा। तो कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, उसके बाद हाथ में लगातार थोड़ा सा हल्का सा ऑयल का हाथ लगाइए और गोल गोल कोफ्तों की शेप दीजिए और इसमें डालते जाइए। वैसे अगर आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन कोफ्तों के लिए जरा गोल गोल शेप जो है वो अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। बस इस तरह से हम कोफ्तों को गोल गोल शेप देते जाएंगे और बनाते जाएंगे। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप चैनल पर जाकर कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। कोई भी अगर आप चैनल के बारे में सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इस तरह से ये देखिए कितने सुंदर हमारे एकदम सुनहरे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। खूब सारे कोफ्ते बने थे, लेकिन सब्जी के लिए थोड़े कम ही बचे क्योंकि खाए गए। ये बने ही इतने टेस्टी हैं, कॉर्न के पकौड़े का ये या कोफ्ते, ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं। आप इनको इसी तरह से भी खा सकते हैं। ये देखिए टोटल इतने सारे कोफ्ते बने थे, अभी और भी हैं, 400-500 मैंने खा लिए। अब क्यों, क्योंकि बनते बनते जो है ना खुशबू भी अच्छी लगती है और करारे भी होते हैं, तो खाने का मन कर ही आता है। अब हम 1/2 कटोरी के लगभग दही लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, 1/2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर सौंफ का पाउडर डाल दिया है, हल्का सा बस दरदरा पीसा है, 1 चम्मच दरदरा पीसा हुआ मैंने इसके अंदर साबुत धनिया डाल दी है। सारी चीज़ें डालने के बाद 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर भुना जीरा पाउडर डाला है। और सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक बहुत ही अच्छा गाढ़ा पेस्ट बनकर दही का तैयार हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा, दही में पहले ही अगर मसाले मिला लिए जाते हैं तो जब हम इसे तेल के अंदर डालते हैं ना, तो दही के फटने का डर नहीं रहता। अब सब्जी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़ी सी हरे धनिया की डंडियाँ, 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च लिए, और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ। आज झंझट नहीं करना, सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे और इसका एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर डालने के कारण बहुत ही अच्छा इसका लाल लाल सा रंग आएगा। टमाटर अब तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कढ़ाई में जितना एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल लिया, केवल 2 चम्मच के लगभग तेल छोड़ा है। अब इसमें 1/2 चम्मच हम हींग डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, और जो हमने पेस्ट बना के रखा था, ये देखिए
टमाटर लाल आ गए हैं, बहुत अच्छे टमाटर इस समय, तो इस वजह से इसका बहुत अच्छा पेस्ट बन के तैयार होगा। हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। अब कट मिक्सी के अंदर जो थोड़ा बहुत लगा रह गया था ना, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल देना है, ताकि हमारा जो बिल्कुल भी पेस्ट है वो वेस्ट ना जाए। अब इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। सब्जी में अच्छा टेस्ट जब ही आता है जबकि हम मसालों को खूब अच्छे से भून लें। 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं लगातार इसे भूनते हुए। ये देखिए, भूनने के बाद इसका काफ़ी पानी अब्जॉर्ब हो गया और इसमें से ऑयल नज़र आने लगा है। इस समय जो दही का गाढ़ा पेस्ट मसालों के साथ मैंने बना के रखा था ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और हमारा बहुत जल्दी से ऑयल रिलीज होने लगेगा। मसाले तो हमने सारे डाल ही दिए, केवल एक नमक है जो हमने नहीं डाला। हल्का सा मुझे मिर्च जो है वो कम लग रहा है, तो मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच के लगभग और डाल दिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। और नमक हमने पहले नहीं डाला, तो अब हम इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च किसी भी सब्जी के अंदर अगर हम डालते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब बहुत अच्छा टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी जो है उसको मैंने रोस्ट करके हल्का सा और हाथों में क्रश करके डाल दिया है। रोस्ट करके डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। पूरी रसोई के अंदर आपकी इस कसूरी मेथी की खुशबू फैल जाएगी। बस अब हम इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम मसाले को भूनेंगे सब्जी हमारी उतनी अच्छी बन के तैयार होती है। इतनी देर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर पानी जो है वो 2-2.5 कप के लगभग गर्म होने के लिए रख दिया था। अब गर्म पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। गर्म पानी से हमारी सब्जी का कलर एज इट इज़ बना रहता है और सब्जी के अंदर बॉयल भी जल्दी से आ जाता है। अब 1-1.5 मिनट ही लगेगा और सब्जी के अंदर अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको हम अच्छे से ढक कर रख देंगे और इस तरह से इसको 10 मिनट तक उबलने देंगे, ताकि जो हमने सारे मसाले और प्याज का पेस्ट डाला है ना, वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स भी हो जाए और काफ़ी अच्छा इसके अंदर उबाल भी आ जाए। अब पानी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसके अंदर जो हमारे बने हुए भुट्टे के कोफ्ते हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और भुट्टे के कोफ्ते डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि ये काफ़ी नरम बन जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये इसी के अंदर घुल जाएंगे। अभी आपको ऊपर ऊपर कितना ज़्यादा ऑयल नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और सब्जी जो है वो अच्छे से पक गई है। बस अब इसके अंदर हम किचन किंग मसाला या जो भी आपके पास गरम मसाला मौजूद हो वो डालिए, और खूब सारा हरा धनिया। और इस सब्जी को हम किसी भी पूरी पराठा सब्जी, सबसे अच्छे वैसे फुलके या नान के साथ लगेगी। और इस तरह से मैंने तो इसके साथ सिंपल फुलके बनाए हैं। अगर आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसके घर साथ किस चीज़ को ट्राई किया है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाता रहे और आप जल्दी से जाकर उन वीडियोस को देखते रहें और नई नई रेसिपी अपने घर में ट्राई करते रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी, मुझे मेरे घर में भी सबको खाने में बहुत पसंद आई। देखिए मैं आपको एक कोफ्ता जो है वो कट करके दिखा रही हूँ, कितना नरम बना हुआ है और अंदर तक हमारा मसाला जो है कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है। तो चलिए फिर